उम्मीद करता हूँ मंदिर आपकी इच्छा अनुसार है जनाब। बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया है, शुक्रिया। अब तुम लोगों में इस मंदिर के बारे में कुछ अच्छी बातें फैला दो। तुम इस मंदिर और इसके शक्ति के बारे में लोगों को जानकारी दो। एक पुजारी रखो जिसे ये सख्त हिदायत हो कि इस मंदिर की मूर्ति को कोई भी व्यक्ति देख ना पाए। मूर्ति के कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रखें। और तो और, इस जगह की छवि बढ़ाने के लिए इसे बंद मूर्ति वाला मंदिर कहा जाए। बंद मूर्ति वाला मंदिर? जनाब ये अच्छा है, इसका नाम ही अपने आप में लोगों के मन में आश्चर्य भरेगा। हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मंदिर के बारे में हर किसी को जानकारी दो, इस जगह के करिश्माओं की कहानी सुनाओ, यहाँ की गई फरियाद के असर के बारे में बताओ, मुराद मांगने पर कैसे मनोकामना पूरी होती है। मुझे यकीन है इस मंदिर के चर्चे दूर दूर तक फैलेंगे। जैसी आपकी मर्जी, मैं अभी शुरू करता हूँ। मैं कुछ कानाफूसी करने वालों को जानता हूँ, मुझे सिर्फ ये बात उन्हें बताने की देर है और वो इसे हर किसी को पल भर में बता देंगे। ठीक है तो बोल, मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर, अब तो बता। जीवन के दो पहलू है, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला, तुझको है पता। जीवन के दो पहलू है, हरियाली और रास्ता। मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर, अब तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली।